नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2024 के बारे में, क्योंकि यूपी पुलिस दरोगा की भर्ती आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है और आपका तैयारी में जो है आप अभी से लग जाइए, क्योंकि आपका जो भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्ज़ाम भी आपका बहुत ही जल्द हो जाता है, तो आपका पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप एक भर्ती से सीख चुके होंगे कि आपको कांस्टेबल का भर्ती के लिए आपको 1-1.5 महीने का ही टाइम मिल पाया और सीधा एग्ज़ाम करवा लिया। पेपर अगर लीक नहीं होता तो आपका टाइम नहीं मिल पाता, वो तो पेपर लीक हो गया तो आपको थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम मिल गया। सेम इसमें भी होगा, आपका बहुत ही जल्द आपका भर्ती निकलेगा और तुरंत आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आप अभी से तैयारी में लग जाइए और इस भर्ती में हम जानेंगे कि आपका यूपी पुलिस दरोगा बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, कितना आपकी उम्र सीमा होना चाहिए, कितने पदों पर आपकी भर्ती निकलेगी, कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपकी दौड़ कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, टाइम कितना मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितना भी आपका नया नया वैकेंसी निकलता है उसका नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अगर आप RPF की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियसर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने पदों पर आपकी यूपी पुलिस दरोगा की भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, आपकी 9,000+ पदों पर आपकी ये भर्ती आएगी, इससे कम पद आपके नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी ये जो भर्ती है ये UPSI सिविल की भर्ती है और सिविल के पद बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके 9,000 से कम आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में लगिए और इसमें आपके सिविल के पद रहते हैं कुछ पद, जैसे कि प्लाटून कमांडर की पद रहते हैं। ठीक है, जो आपकी स्पेशल फोर्स होती है, खासकर यूपी की, यूपी पुलिस की रहती है सबकी, स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस रहती है उसमें कुछ स्पेशल फोर्स भी होती है, तो प्लाटून कमांडर हो गया, फिर आपका फायर ऑफिसर हो गया। ठीक है, इन सभी पद मिला के आपके 9,000+ रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। ठीक है, इतना आप निश्चिंत रहिए। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जनरल OBC EWS के लिए, SC ST के लिए, सभी वर्ग के छात्रों छात्राओं के लिए ₹400 इसमें आपके आवेदन फीस लगती है। वहीं हम बात करें उम्र के बारे में, एज के बारे में, एज लिमिट के बारे में, 21 से 28 साल आपकी उम्र होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, ठीक है, और SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की इसमें आपको एज में छूट दी जाती है। ठीक है, और इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में ऐसा कि भाई अदर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, उत्तराखंड में ऐसा कि नहीं कर सकता, लेकिन यूपी पुलिस में देखो कि भाई सभी लोग, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ आपके, कहाँ के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़, बंगाल, सभी, राजस्थान, दिल्ली के, सभी लोग के, जहाँ मेरा अपने ज़िले में सेंटर था तो दिल्ली के पढ़ने आए थे, झारखंड के वो एग्ज़ाम देने आए थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हो भाई सभी लोगों को आपको यह मौका दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, बिहार पुलिस में हम लोग भी डाले हैं, ठीक है, हम लोग तो नहीं डाले लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के डाले हैं, तो सभी लोग भाई भाई हैं, ऐसा कुछ आपको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें आपकी ऑनलाइन डेट के बारे में, उससे पहले मैं आपका योग्यता बता देता हूँ, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपल, आपका इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट, BA आर्ट से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, चाहे आपका कॉमर्स से किया हो, मतलब BA, BSc, BCom किया हो, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका ये पद है फायर ऑफिसर का, इसमें आपका साइंस सब्जेक्ट से आप पास होना चाहिए, यानी आपके पास BSc होना चाहिए, तो आप इसमें फायर ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो आपका कैंडिडेट है वो आपकी SI सिविल में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें पद जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं और इसका जो प्रोफाइल भी मस्त है। ठीक है, कमाई के मामले में और सबके मामले में। ठीक है, बात करें ऑनलाइन डेट के बारे में, तो इसके जो ऑनलाइन, इसका जो नोटिफिकेशन जारी होने के टाइम है वो है आपका जुलाई अगस्त में। कब? जुलाई अगस्त में। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, जुलाई अगस्त आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले होता है इसमें रिटन एग्ज़ाम, फिर होता है इसमें आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। तो देखो रिटन एग्ज़ाम पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही रिटन एग्ज़ाम से होने वाला है। इसमें आपका चार विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देखो, मैथ से रहेंगे 50 प्रश्न, रीजनिंग से 50, हिंदी से रहेंगे, हिंदी कंप्यूटर दोनों मिक्स रहते हैं, उसके रहेंगे 50 प्रश्न, जीके जीएस भी आपके 50 प्रश्न, कितने हो गए 5 चौके 20, 200 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 400 अंक के रहेंगे। मतलब जो आपका एक प्रश्न रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, यानी 200 प्रश्न 400 अंक के रहेंगे। ठीक है, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का। माइनस मार्किंग जो पिछली भर्ती निकली उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अब नेगेटिव मार्किंग हो भी सकता है क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपका इसमें आपका जो पेपर हुआ वो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, 2021 में जो भर्ती निकली वो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, ठीक है। तो आपका हो सकता है इस साल भी करवा लें, लेकिन डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल में सबसे पहले हम बात करें हाइट के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष ST शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल OBC ST, ठीक है, 152। अगर कोई महिला ST शेड्यूल ट्राइब में आती हैं तो उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर है, तो भी अप्लाई कर सकती हैं। वहीं हम बात करें चेस्ट यानी आपका सीना कितना होना चाहिए, केवल लड़कों का नापा जाता है, 79 से 84 सेंटीमीटर, कितना मिनिमम 79 खुला के 84, ठीक है, होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से कम आएगा वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सभी आपकी चाहे पुलिस फोर्सेज, चाहे BSF, CISF, चाहे ITBP, चाहे आपके इंडियन आर्मी, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। ये आपका खुद का हम फिजिकल कई बार दे चुके हैं, चाहे वो आपका CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो, और से हम दिए BSF का भी दिया है, ठीक है। बात करें रनिंग के बारे में, रनिंग होगी आपकी पुरुष की 4800 मीटर की, कितना 4800 मीटर, टाइम मिलेगा 28 मिनट का। रनिंग होगी 4800 मीटर की, ठीक है, और आपको टाइम मिलेगा 28 मिनट का। तो आप सोच सकते हो कि टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से हो जाएगा, फोकस करो यहाँ पर, सिलेक्शन होगा यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा कचरा तो नहीं हो गया, मसूड़ी सी फैल रही है, ठीक है, बेकार लगता है, ठीक है। और महिलाओं की रनिंग होगी 2400 मीटर की, टाइम मिलेगा 16 मिनट का। तो रनिंग तो आसानी से हो जाएगी। बात करें आप सैलरी के बारे में, जो प्रोफाइल आप सभी लोग जानते होंगे, आपके आसपास थाना होगा पास में, और जानते होंगे क्या कार्य करता है दरोगा, ठीक है, क्योंकि ये भाई ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर पर आपका ड्यूटी लगना तो आपके पास ही है, ठीक है। आपके जो अगल बगल के ज़िले होंगे वहाँ पर आपका ड्यूटी मिल जाता है, ठीक है। पहले आपको 3-4 साल कहीं दूर करना पड़ेगा, दूर फिर आपका आसानी से मिल जाता है पास में। तो देखो सैलरी आपकी इसमें मिलती है 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब है, तो इन हैंड सैलरी मिलती है आपको इसमें 35,400 रुपये, प्लस में आप इसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि महंगाई भत्ता, ठीक है, DNS अलाउंस, TA यानी ट्रेवल अलाउंस, आने जाने का किराया, और HRA हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान का किराया, और भी कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 50,000 प्लस, ठीक है। बाकी और भी कमाई है वो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, खैर मुझे इतना नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं आपको, सभी लोग जानते भी हैं उसमें क्या, मान लो कोई केस हो गया, ठीक है, तो कैसे कमाते हैं लोग, कोई केस हो गया, मान लो कोई केस कर दिया, तो वो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, उनको पकड़ के लाएंगे। तो जब रिपोर्ट तो लिखेंगे, रिपोर्ट तब लिखेंगे जब आप उसको रुपया दोगे, कितना वो, आप 2,000 भी लिख सकते हैं, 5,000 भी रुपये ले सकते हैं, और रिपोर्ट कच्ची लिखते हैं, पक्की नहीं लिखते कभी, FIR जो पक्की FIR नहीं लिखते, कच्ची लिखते हैं, 2,000-5,000 ले लेंगे, ठीक है, पहले आदमी से जो रिपोर्ट करने जाएगा, कच्ची लिखेंगे, और फिर जब दूसरा जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगी उससे बाद में क्या करेंगे, राजीनामा, मान लो कोई से पिटाई की लड़ाई वड़ाई हो गई, लड़ाई तो होती रहती आम बात है, ठीक है, कुछ गाली गलौज हो गया तो उससे ले लिए, फिर जो आएगा उससे लेंगे, फिर आपका हो जाएगा राजीनामा। तो 2 या 5 हज़ार इससे ले लिए, 2 या 5 हज़ार उससे, कितने हो गए 10,000, 10,000 कहाँ जाएंगे जेब में, सब बांट लेंगे, खा लेंगे, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, खुद होता है, ठीक है। और सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ ये रियलिटी है,
हमारे साथ खुद हुआ भाई, हम तो सोचे भी तो इधर होगा क्या। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी, और कुछ डाउट वगैरह तो पूछ लेना, कुछ समझ में ना आया तो पूछ लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।